नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सबसे प्रसिद्ध महंतों में से एक है। उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देश ही नहीं विदेशों तक उनके चर्चे होते हैं। वह हिंदू ग्रंथ शिव महापुराण में लिखे हुए कई उपाय लोगों को बताते हैं, जिन्हें अपना कर लोग अपनी तमाम समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं। लोगों को उनके द्वारा बताए गए उपायों पर काफी ज्यादा विश्वास होता है। अगर आप भी पंप प्रदीप मिश्रा के उपायों को अपनाते हैं या फिर बीमारी से लेकर जीवन की तमाम समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपना कर आप तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सबसे प्रसिद्ध महंतों में से एक है। उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। देश ही नहीं विदेशों तक उनके चर्चे होते हैं। वह हिंदू ग्रंथ शिव महापुराण में लिखे हुए कई उपाय लोगों को बताते हैं, जिन्हें अपना कर लोग अपनी तमाम समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं। लोगों को उनके द्वारा बताए गए उपायों पर काफी ज्यादा विश्वास होता है। अगर आप भी पंप प्रदीप मिश्रा के उपायों को अपनाते हैं या फिर बीमारी से लेकर जीवन की तमाम समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपना कर आप तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए बने रहिए भूमिका भास्कर के साथ।